हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक वीडियो डाउनलोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फेसबुक में जो वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है, आप लोग जाते हैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करना। तो आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कैसे आप अपने फेसबुक वीडियो को डाउनलोड करके सीधा गैलरी में ला सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको फेसबुक वीडियो को डाउनलोड करना है। तो बिना देरी किए मैं आप सभी को चलिए मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। इस सिंपल से गैज मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आप सभी को क्या करना है, अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी को क्या करना है, आपको वीडियो पे आ जाना है। वीडियो पे आने के बाद आप सभी को जिस भी वीडियो को डाउनलोड करना है उस वीडियो का आप सभी को क्या करना होगा, लिंक कॉपी करना होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कपिल शर्मा का शो है, तो मैं इस वीडियो का लिंक कॉपी करके डाउनलोड करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपल से मुझे ये वाला वीडियो पसंद आ गया है, तो आप सभी को इस वीडियो का लिंक कॉपी करना होगा। लिंक कैसे कॉपी किया जाता है, आपको थ्री लाइन यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में, उस पर टच कर देना है। टच करने के बाद आपको कॉपी लिंक यहाँ पर दिख रहा है, आपको कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद सिंपल से आप सभी को क्या करना होगा, बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आप सभी को क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो सिंपल से मैं अपने मोबाइल ब्राउजर का क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सभी को क्या करना है, सर्च बटन पर आ जाना है। सर्च बटन पे आ जाने के बाद आप सभी को टाइप करना है डाउनलोड फेसबुक वीडियो। सिंपल से यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो डाउनलोड फेसबुक वीडियो, तो आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप सभी को फर्स्ट वाले लिंक पर नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको सेकंड वाले लिंक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सभी को 4K तक डाउनलोड का भी होता है, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने जिस भी वीडियो का लिंक कॉपी किए हुए है तो यहाँ पर आप सभी को पेस्ट कर देना है। आप इस पर कुछ सेकंड दबा कर रखोगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ से पेस्ट करके आपको डाउनलोड पर टच कर देना है। जैसे डाउनलोड पर टच कर दो तो ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। सिंपल से आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर आप सब देख सकते हो कितने क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो। तो सिंपल सी मान लीजिए मुझे 270 मिनट एंड रिएंडर कर देना है। तो जैसे रिएंडर कुछ सेकंड का ऐड आएगा उसको क्लोज कर देना है। एंड यहाँ पर जैसे आप रिएंडर पर टच करते हैं तो आपको ये फुल हो जाने के बाद आप सभी को डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन नीचे में देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर टच कर देना है। टच करने के बाद आप सभी को क्या करना है, डिटेल्स पे आ जाना है। डिटेल्स पे आने के बाद आप सब देख सकते हो ये वीडियो मेरा डाउनलोड होने लगा है, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, मुझे डाउनलोड नहीं करना है। तो ऐसे आप अपने फेसबुक वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सीधा गैलरी में ला सकते हो। तो आप लोग जरूर बताना ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए वीडियो के करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।